दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको ये सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करना होगा और मेरी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे इसके लिए आपको ये बेल आइकॉन का बटन क्लिक करना होगा। हेलो फ्रेंड्स, दीपमोहित किचन में आपका स्वागत है। आज मैंने सोचा मैं आपको गर्मा गर्म कुरकुरी कुरकुरी जलेबी बनाना सिखाती हूँ। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है। इसके लिए हमें मैदा लिया है, मैदा मैंने 1 कप ले लिया है। शक्कर लिया है मैंने, ये शक्कर 2 कप जो मैंने इस कप से मेजरिंग कप से नाप कर लिया है। पानी भी हमें इससे 2 कप मैंने शक्कर लिया है और 1.5 कप मुझे पानी लेकर मैं चाशनी बनाऊंगी। 1/2 कप मैंने उड़द की दाल ली है जिसे मैंने 2 घंटे भिगोकर पीस लिया है। हमें नींबू का रस चाहिए, 1/2 नींबू का रस। इलायची पाउडर मैंने इलायची के अंदर का बीज निकाल करके उसको पीस लिया है। थोड़ा सा हमें पिंच वन थोड़ा सा लाल रेड फूड कलर चाहिए। बेकिंग पाउडर चाहिए हमें 1/3 टीस्पून और थोड़ा सा केसर, और पानी हम चाशनी बनाने के लिए चाहिए। जलेबी बनाने के लिए मैंने देसी घी लिया है। जलेबी फ्राई करने के लिए आप चाहें तो रिफाइंड या जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं। सबसे पहले मैं मैदा लूँगी। मैदा को मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। अब 1/3 टीस्पून बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा रेड फूड कलर। अब हम इसका एक घोल तैयार कर लेंगे, पतला पूरिंग कंसिस्टेंसी का। हमें इतना अच्छी तरीके से मैदा को घोलना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। वैसे तो हमें जलेबी बनाने के लिए 10 से 12 घंटे के लिए इसका बैटर रखना पड़ता है, लेकिन हम इंस्टेंट जलेबी बना रही हूँ तो मैं आपको जल्दी बना के इसको दिखाऊंगी। देखिए इसमें लम्स बिल्कुल नहीं पड़े हैं और इसको हमें अच्छी तरीके से घोल लेना है। थोड़ा सा मैं पानी और डालूंगी। अब मैं इस पे अपना उड़द की दाल डाल लेती हूँ। उड़द की दाल को मैंने महीन पीस लिया है 2 घंटे भिगोकर, और इसको भी हम अच्छे तरीके से इसमें घोल लेंगे। ये देखिए मेरा घोल तैयार हो गया है और ये मेरा थोड़ा गाढ़ा घोल है, इसको मैं थोड़ा सा और पतला कर लेती हूँ। इसको हमें पूरिंग कंसिस्टेंसी में रखना है। देखिए इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए अब मेरी पूरिंग कंसिस्टेंसी हो गई है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि ये हल्का सा फूल जाए। जब तक हमारा बैटर तैयार होता है तब तक मैं चाशनी तैयार कर लेती हूँ। चाशनी तैयार करने के लिए हमें एक पैन चाहिए, उसमें हम चीनी डाल देंगे अपनी। 2 कप चीनी मैंने मेजरिंग कप से नाप कर रखी थी। अब मैं 1.5 कप इसी मेजरिंग कप से पानी डाल दूंगी। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक चीनी अच्छी तरीके से डिज़ोल्व ना हो जाए। ये देखिए अब मेरी चीनी डिज़ोल्व हो गई है। अब मैं इसका चाशनी देखना है कि मुझे बन गई है या नहीं। इसके लिए हमें 2 टेस्ट करने होंगे। एक टेस्ट तो हम इसके बूंदे गिराएंगे, जो इसकी लास्ट ड्रॉप होगी वो सब बहुत धीरे गिरेगी। और दूसरे टेस्ट के लिए हमें थोड़ा सा ये एक कांच की बोल में निकाल लेना है। इसको ठंडा होने पे थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए। हमारा तार बनना चाहिए,
एक तरह अभी ये थोड़ी सी और पकेगी, अभी हमारा तार नहीं बन रहा है। बहुत छोटा तार बनना है हमारा। अब हम इसमें थोड़ा सा केसर डाल देंगे, केसर का स्वाद जलेबी में बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ी सी इलायची डाल देंगे ये दोनों। अब मैं इसमें एक बार और टेस्ट कर लेते हैं, अब ये थोड़ी सी और पकेगी। देखिए मेरी चाशनी तैयार हो गई है। इसका मैंने जो आपको टेस्ट बताया था, इसमें छोटा सा एक तार बनना है इसको ठंडा होने पे। देखिए बहुत छोटा सा तार बनना है, ये देखिए एक तार की चाशनी बनती है, बहुत छोटा सा तार बनना है, और ये हमारी अब तैयार हो गई है। अब मैं गैस बंद कर दूँगी और जो नींबू का रस है वो इसमें डाल दूँगी। अब हम जलेबी तैयार करते हैं और इसको थोड़ा ठंडा होने दें। अभी मेरा बैटर तैयार हो गया है। अब मैंने जलेबी बनाने के लिए, वैसे आप कोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक कपड़ा होता है जो हलवाइयों के पास होता है, लेकिन मैंने ये सॉस की बोतल का इस्तेमाल करूँगी और इसमें ये बैटर अपना डाल दूँगी। अब मेरा बैटर तैयार हो गया है। अब मैं इसे एक सॉस की बोतल, वैसे तो आप हलवाइयों का एक कपड़ा होता है जिसमें छेद होता है, और आप कोन में करके भी जलेबी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये सॉस की बोतल ली है और मैं इससे जलेबी बनाऊंगी। अब मैं इसको बैटर को अपने इस बोतल में डाल देती हूँ। अब मेरा बैटर तैयार हो गया है और इसमें मैंने कर दिया है बोतल में। अब मैं घी की तरफ चलते हैं। हमने घी गरम कर लिया है। घी को आपको मीडियम से हाई आंच होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा बैटर डाल के देख लेती हूँ कि ये सही है हमारा। देखिए अच्छी अच्छा ये ऊपर आ गया है। अब मैं जलेबी बनाते हैं। जलेबी आप जैसे चाहो वैसे बनाएं। हम इसको एक पतले किसी भी से पलट लेते हैं। कितनी अच्छी लग रही है ये जलेबियाँ, और एक कुड़कुड़ी भी बनी होंगी देखने में। देखिए पता चल रही है। इसको अच्छी तरीके से हमें कर लेना चाहिए। हमारी जलेबी पक गई है। अब मैं इसे चाशनी में कर लेते हैं। हमें चाशनी में इसको अच्छी तरीके से डुबो लेना है। पाँच मिनट के लिए हमें चाशनी में इसे डूबे रहने देना है, ताकि अच्छी तरीके से जो चीनी है वो चाशनी है वो इसके अंदर अच्छी तरीके से पैबस्त हो जाए। अब हमें इसे अच्छी तरीके से जलेबियों को चाशनी के अंदर डाल देंगे।
अब ये जलेबी हमारी अच्छी तरीके से चाशनी में डूब गई है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। सारी जलेबियों को आप निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरी बना लेंगे। जलेबियाँ तो जितनी तिरछी होंगी उतनी अच्छी लगती हैं, टेढ़ी मेढ़ी जलेबी। इसको पलट लेंगे। आप चाहे तो चिमटे का भी यूज कर सकते हैं। ये इंस्टेंट जलेबी है, जब आपका मन करे। वैसे तो हम लोग मार्केट से मंगा लेते हैं, या दही जलेबी तो बहुत ही टेस्टी डिश लगती है नाश्ते में। संडे को अक्सर मेरे घर में यही खाया जाता है, तो मैंने कहा आज लाइए आपके संग ये रेसिपी शेयर करूं। अच्छी तरीके से ये पक गई है। आँच का आप बहुत विशेष ध्यान रखेंगे कि आँच आपकी मीडियम से हाई होनी चाहिए, बहुत हाई भी नहीं होनी चाहिए। अभी जलेबी मैं सारी अपनी चाशनी में डुबा दूंगी। इसको हम अच्छी तरीके से चाशनी में कर लेते हैं। ऐसे हम पाँच मिनट, 2 से 3 मिनट आप इसमें कर रखे रहने दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर ये करारी नहीं रहेंगी अगर ये ज़्यादा देर चाशनी में डूबी रहेंगी। लीजिए तैयार है गर्मा गर्म जलेबी, जिसे मैंने दही के संग सर्व किया है, क्योंकि मेरे घर में सबको दही के संग ही पसंद है। लो भी आपके लिए मैंने गर्मा गर्म जलेबी तैयार कर दी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।